छत्तीसगढ़ की साय सरकार जल्द ही महिलाओं से किए अपने वादे को पूरा करने जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में सार्वजनिक मंच से कहा कि जल्द ही सरकार महिलाओं को इसकी सौगात देगी। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक भुगतान करने का प्रावधान किया जा रहा है। सीएम साय ने दावा किया कि इस योजना के तहत महिलाओं, बहनों, बेटियों के स्वाभिमान और स्वावलंबन के लिए लाई जा रही इस योजना को लेकर सरकार सौगात देने जा रही है। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सेहत, शिक्षा और पोषण के लिए भी समुचित योजनाएं कारगर ढंग से लागू की जाएंगी। हमने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना का वादा किया था। महिलाओं को सशक्त बनाने का दावा करते हुए बीजेपी न केवल इसे मोदी की गारंटी बता रही थी बल्कि चुनावी अभियान में भी हर मंच में महतारी वंदन योजना का जमकर प्रसार किया गया था। इस योजना के माध्यम से सरकार प्रदेश की विवाहित महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए देने का प्रावधान रखा है। सरकार बनने के बाद महिलाओं से किए गए इस वादे पर अमल न होने को लेकर लगातार महिलाओं की नाराजगी देखने को मिल रही थी। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का खुद सार्वजनिक मंच से महतारी वंदन योजना शुरू करने के दावा ने कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बता दें कि कुछ ऐसी ही योजना मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कार्यकाल में लॉन्च की गई थी। माना जा रहा है छत्तीसगढ़ में लाडली बहना के तर्ज पर महतारी वंदन योजना को अमल पर लाने की तैयारी है। जगदलपुर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।